नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। अल अजीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की बहाली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तोशाखाना केस में लीगी कायद की जमानत मंजूर। जायदाद जब्तगी की कार्रवाई खत्म करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस। एहतसाब अदालत ने 4 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन IPP की हो गई। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमैरा अहमद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अंदलीब अब्बास का कहना था कि माजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। फलस्तीन की आज़ादी की जंग को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की फलस्तीनी सफीर से गुफ्तगू। आर्मी चीफ का बेगुनाह फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर शदीद तशवीश का इजहार। आलमी बिरादरी से इंसानी अलमिया रोकने का मुतालबा। गाज़ा में कल रात तक ईंधन खत्म हो जाएगा, साफ पानी की फरहमी रुक जाएगी, अस्पताल बंद हो जाएंगे। अक़वामे मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की गाज़ा में 47 मकामात पर बमबारी। मजीद 704 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 5791 हो गई। UN के 6 अहलकारों की जान भी जा चुकी है। और वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल। जनूबी अफ्रीका के 383 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेश मुश्किलात का शिकार। 4 विकेटें गिर गईं।